संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में मरीजों को फ्री में मिल रही कई तरह की जांच सुविधा, आधुनिक मशीनों के चलते समय रहते मिल जाती है जांच रिपोर्ट। समय समय पर कई समाज से भी रक्तदान करते हैं और कई संस्थानों द्वारा भी रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसे ब्लड बैंक में जमा करा दिया जाता है, जो समय पर मरीजों के काम आता है और इसी से कई मरीजों की जान भी बचती है। आइए आपको लेकर चलते हैं संजय गांधी अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग द्वारा संचालित ब्लड बैंक में। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में बने ब्लड बैंक में मरीजों को इस समय अच्छी सुविधा मिल रही। उन्हें जांच कराने या रिपोर्ट लेने के लिए भटकना नहीं पड़ता। पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत आने वाले ब्लड बैंक में मरीजों के लिए 70 तरह की जांच फ्री में की जाती है। मरीजों के जांच के लिए यहां पर 24 घंटे सुविधा रहती है, जिसके चलते मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहीं पर उन्हें अच्छी सुविधा मुफ्त में मिल जाती है। यहाँ पर आधुनिक B400 मशीन लगी हुई है, जो एक घंटे में 400 टेस्ट लगाती है, जो कि बहुत ही तेज़ी से काम करती है, जिसकी वजह से समय रहते मरीजों को उनकी जांच रिपोर्ट मिल जाती है। यह मशीन रीवा में और कहीं नहीं है। ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सप्रेशन मशीन भी है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति के ब्लड से 3 लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। मनुष्य के ब्लड में प्लाज्मा, RBC और प्लेटलेट्स रहता है। इस मशीन से इन तीनों को अलग कर लिया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग चढ़ा दिया जाता है। ये सुविधा आसपास के किसी भी ब्लड बैंक में नहीं है। ब्लड ग्रुप में निगेटिव ग्रुप काफ़ी रेयर होता है। पीछे जो मशीन है, जिस मशीन की क्या खास बात है? इसका नाम है BA400। जी, इसका नाम है BA400। ये एक घंटे में 400 टेस्ट लगाती है और ये मशीन रीवा में कहीं नहीं है। तो एक घंटे में हम 400 टेस्ट लगा देते हैं, तो जितने भी मरीज आते हैं उन सबकी जाँच हमारे द्वारा टाइमली लगा दी जाती है। हम लोग सीरोलॉजी में जांच करते हैं, उसमें सारे RA है, CRP है, ASO है, विडाल टेस्ट जो टाइफाइड में होता है, ये सारी HBsAg हेपेटाइटिस जो है वो, ये सारी जांचें माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, उसके अलावा कल्चर सेंसिटिविटी, बैक्टीरियल कल्चर सेंसिटिविटी, ये बैक्टीरियोलॉजी में आता है, ये भी माइक्रोबायोलॉजी। सारे सैंपल जो हमारे यहाँ आते हैं, हम सारे सैंपल जो है उसको ले लेते हैं। हम किसी भी मरीज को बाहर के लिए या उसको हम मना नहीं करते हमारे यहाँ। पर डे कितनी जांचें करती हैं? पर डे हमारे यहाँ सीरोलॉजी में जो है 100 से 150 के करीब सैंपल आते हैं, और बैक्टीरियोलॉजी जो कल्चर सेंसिटिविटी है उसमें OT के कल्चर भी रहते हैं, तो 50 जो है 50 से 100 तक के सारे सैंपल्स बैक्टीरियोलॉजी में आते हैं। हमारे यहाँ देखिए, सरकार ने 70 जाँचें फ्री करके रखी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार ने, तो सभी 70 जाँचें हमारे यहाँ होती हैं और फ्री होती हैं। हमारे यहाँ जो जाँचों का जो वक्त है वो राउंड द क्लॉक होता है, मतलब वो कभी 7 दिनों में पूरे 24 घंटे चलती रहती हैं। हमारा जो ब्लड बैंक है वो लाइसेंस्ड है और 2021 तक के लिए लाइसेंस है, और हमारे यहाँ जो ब्लड कंपोनेंट यूनिट है, जिससे हम RBCs उससे अलग करते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं, जिन मरीजों को प्लेटलेट्स की कमी रहती है उनके लिए प्लेटलेट्स अलग करते हैं। ये सुविधाएं जो है तो आसपास के किसी भी शहर में या ब्लड बैंक में नहीं है। बाकी हमारे यहाँ ये रहता है कि हम राउंड द क्लॉक करते हैं जो भी टेस्ट, कभी भी किसी मरीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है। कई बार ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि यहाँ के लोगों द्वारा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा मरीजों को बाहर भेजा जाता है या कहा जाता है जाँचों के लिए, ये पूर्णतः गलत है। मैं इससे जो है तो सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप रेयर होता है और उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक क्या होता है कि ब्लड बैंक द्वारा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें यहाँ की बहुत सारी एजेंसीज है, जो NGOs है, वो ब्लड डोनेशन करते हैं, समय समय पर करते रहते हैं। कई बार कलेक्टर महोदय के द्वारा कराया जाता है, कई बार SP महोदय के द्वारा कराया जाता है, कई बार NCC के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो संस्थाएँ हैं वो भी ब्लड डोनेशन करती हैं। जहाँ तक रेयर ब्लड ग्रुप की बात है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास में कुछ ब्लड डोनर्स, वॉलंटरी ब्लड डोनर्स की लिस्ट है, जिससे जब रेयर ब्लड ग्रुप जो नहीं रहता हमारे पास में, मैं उनका जो है तो नाम बता देता हूँ जिसको ज़रूरत रहती है, और वो लोग ट्रेस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं उस बंदे को, और वो जो है कौन कौन सा ब्लड ग्रुप रेयर होता है। देखिए, एक तो कहलाता है जो नेगेटिव किसी भी ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, और उसमें एक चीज़ और होती है जिसे पॉजिटिव और निगेटिव कहा जाता है।
तो हर एक ब्लड ग्रुप का निगेटिव जो होता है वो बहुत रेयर होता है, और एरेस्ट ऑफ द रेयर जिसे बोलते हैं, जो सबसे कम पाया जाता है वो ए बी निगेटिव होता है।